उज्जैन महाकाल धाम को कौन नहीं जानता, और उसके नज़दीक से बहने वाली माँ शिप्रा नदी बड़ी ही पुण्यमय दिव्य नदी है, जहाँ पर अनंत लोगों की स्नान करने पर समस्त व्याधि समाप्त हो जाती हैं। ऐसी है माँ शिप्रा नदी। एक भक्त जी ने अपने जीवन का पावन प्रसंग लिखते हुए कहा है, 2022 की बात है, सितंबर का महीना था, उस समय बरसात भी पड़ती है। मैं अपने परिवार के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गया। आपने सुना होगा, अब तो महाकाल मंदिर का बहुत सुंदर प्रकार से विस्तार कर दिया गया है। इसी उत्कंठा के साथ मैंने महाकाल दर्शन करने की अपनी कामना को अपने परिवार से कहा। सारे परिवार वाले तैयार हो गए। हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए श्री महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँचे। वहाँ कदम रखते ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया। हमें वहाँ बहुत पुरोहित मिले। उन पुरोहितों ने कहा, दर्शन करने से पहले माँ शिप्रा में स्नान कर लीजिए। मैंने उनसे पूछा, शिप्रा में स्नान करने का कोई स्थान? तब किसी ने कहा, आप मंदिर के नज़दीक जाएंगे, उसके उस तरफ एक घाट है, वहीं जाकर स्नान कीजिए। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ शिप्रा नदी के घाट पर पहुँचा। हम सब स्नान कर रहे थे। हमारे साथ 8 वर्ष का एक बालक भी था, जो मेरे छोटे भाई का बेटा था। वह भी आराम से शिप्रा नदी के पावन जल में स्नान कर रहा था। तभी अचानक से एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने हम सबको विचलित करके रख दिया। उसी घटना के विषय में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। जब हम वहाँ शिप्रा नदी में स्नान कर रहे थे, बहुत अधिक संख्या में अन्य लोग भी वहाँ दर्शन करने आए थे। सब धीरे धीरे स्नान कर रहे थे, पर बरसात के कारण शिप्रा नदी का वेग थोड़ा तेज था और वहाँ के घाटों पर थोड़ी चिकनाहट भी थी, जिसे कहा जाता है काई जम गई थी। वहाँ पैर रखना कठिन हो रहा था। अब मेरे भाई का यह बेटा भी स्नान कर रहा था। थोड़ी देर तो हाथ पकड़े हुए था, लेकिन अचानक से मेरे भाई का पैर फिसला और पैर फिसलते ही उसके हाथ से इस छोटे बालक का हाथ छूट गया। और जैसे ही हाथ छूटा, वह लड़का आगे बहने लगा। तब मेरे भाई ने कहा, बचाओ बचाओ बचाओ। वह इस प्रकार कह ही रहा था, लेकिन इतने में शिप्रा नदी का तेज प्रवाह उसे आगे की ओर लेकर जा रहा था। हमें तो तैरना नहीं आता था। अन्य लोगों को देखकर मैंने भी चिल्लाया, उस बच्चे को बचाओ, उस बालक को बचाओ। लेकिन आसपास के लोग हैरान थे। कोई कुछ कर पाता, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा भाई रोता जा रहा था, मैं कह रहा था बचाओ, वह बालक आगे बहता जा रहा था। तभी वह मुश्किल से 60-70 फीट आगे बहा होगा, तभी अचानक से वहाँ बालक रुक गया। हम देखकर हैरान हो गए, यह क्या हुआ? पानी के बीच में बालक इस प्रकार कैसे रुक गया है? वह बालक वहीं रुककर स्थिर हो गया। मैंने कहा, हे भोलेनाथ रक्षा करो, हे भोलेनाथ, हे महाकाल रक्षा करो उस बालक की। जब इस प्रकार कह रहा था, मेरी आंखें बंद हो गई। उस बालक की माँ तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। अन्य साथी चिल्ला रहे थे बचाओ। तभी अचानक एक व्यक्ति आया जिसने लंगोट पहन रखी थी, हाथ में बड़ा डंडा था और उसके बाल खुले हुए थे। वह उस बालक को लेकर बाहर आया और बाहर आते ही उसने उस बालक को जमीन पर लेटा दिया और उल्टा करके उसके पीठ पर अपना हाथ रखकर जोर से कहा, मुख में जो पानी है बाहर निकाल दो। हम देखकर हैरान हो रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो पुरोहित आए थे हमारे साथ पूजा कराने, वह भी बड़े भयभीत हो गए, कहने लगे बचना मुश्किल है। लेकिन उस व्यक्ति ने पुनः उस बालक के पीठ पर हाथ रखा और जोर से प्रेस किया, सारा पानी बाहर आ गया। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा और कहा, थोड़ा कहीं आग हो तो आग लेकर आओ। हम इधर उधर दौड़ने लगे। कोई पंडित जी दोनों में कोई दिया जला रहे थे। मैंने उनसे कहा, यह दोना मुझे दे दो। उन्होंने दोना मुझे दिया। मैं आग लेकर नज़दीक आया।
आग लाकर मैंने उस व्यक्ति को दे दी जिसके हाथ में डंडा था, बाल खुले हुए थे, लंगोट पहनी हुई थी और शरीर पर एक हाथ पर कोई कंगन पहना हुआ था। समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो अभी तक स्मृति आती है पर याद नहीं आ रहा था कैसा था। उसने वह आग अपने हाथ में ली, दोना पकड़ा और बालक के पैरों के नज़दीक लेकर आया और पैरों के नज़दीक लाकर कहा, बेटे उठ जाओ और पैर खोल दो, इन्हें पैरों के मध्य रख दो, थोड़ी तपत आएगी, ठीक हो जाओगे। उस बालक ने वही किया जो वह कहता जा रहा था। तब मैं उसके नज़दीक आकर कहने लगा, बेटा ओम नमः शिवाय कहो। उसकी माता भी उठकर उसके नज़दीक आ गई, उसे गले से लगा लिया। जब हम इस प्रकार उस बालक के नज़दीक आए तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। जो घटना हमारे साथ घटित हुई वह बड़ी अलौकिक थी। जब हम इस प्रकार अपने बच्चे को घेर कर खड़े थे, हम सबके मध्य जो व्यक्ति डंडा लेकर खड़ा था, हमारी आंखें उसको देख पाती उससे पहले ही वह अचानक से ओझल हो गया। हमने पूछा इधर उधर सबसे, वह व्यक्ति कहाँ गए जो इस बालक को बाहर लेकर आए थे, वह कहाँ गए। हमने नदी के इधर उधर चक्कर लगाए, हमने नदी की तरफ देखा, कोई समझ नहीं आया। पुरोहितों से पूछा, पंडितों से पूछा, लोगों से पूछा, वह किसके साथ आए थे जिसने बालक की रक्षा की। हम उसे धन्यवाद देना चाहते हैं, हम उन्हें कुछ धनराशि देना चाहते हैं, लेकिन सबने कहा हमें तो पता ही नहीं, सिर्फ हमने आपके साथ ही उन्हें देखा था, लगा वह आपके साथ ही आए होंगे, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं। अब लोगों ने जब इस प्रकार कहा, हमारा मन थोड़ा विचलित था, हमने कहा वह आए बचा कर गए, हम उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सके। इस प्रकार मन में बहुत बातें चल रही थी। तब जब बालक थोड़ा होश में आया, हमने उस बालक से पूछा, बेटा तुम कैसे बच सके, तुम तो तैरते हुए जा रहे थे, तुम्हें तो पानी अपने साथ बहाकर लेकर जा रहा था। तब उस बालक ने जो बात बताई उसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए। वह बालक कहने लगा, पिताजी के हाथ से मेरा हाथ छूट गया, मैं तो नदी में बहता हुआ जा रहा था, लेकिन अचानक से जब मैं पानी में बहता हुआ जा रहा था, चाचा जी मैंने आपकी तरफ देखा, आपने पता नहीं कुछ कहा और अचानक से मेरा पैर ऐसे जकड़ गया कि किसी ने मुझे आगे बहने ही नहीं दिया। मैं अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहा था, मुझे तैरना तो आता ही नहीं था, लेकिन वह मेरे पैर को पकड़कर मुझे कंधे पर बैठाकर यहाँ तक लेकर आए। जब उन्होंने मुझे उतारा मैंने सिर्फ उनकी ओर देखा, मुझे तो कुछ भी होश नहीं था, लेकिन पिताजी जब मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आँखों की तरफ देखा, तो उनकी आँखें साधारण आँखें नहीं थी, उनसे रोशनी निकल रही थी। जब बालक ने यह बातें बताई तो हम सब तो पहले सुनकर हैरान हो गए, आँखों से रोशनी किस प्रकार निकल रही थी। तब जो पुरोहित हमें पूजा करा रहे थे वह जल्दी से बालक के नज़दीक आए और बालक को जल पिलाया और बालक को हृदय से लगाकर कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, आज तुम्हें और किसी ने नहीं, स्वयं महाकाल ने उपस्थित होकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। हम तो सुनते आ रहे थे बहुत समय से कि महाकाल स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करते हैं, उनके आज्ञा अनुसार ही इस जीवन की लीला समाप्त होती है, लेकिन तुमने साक्षात उनका दर्शन किया है, आज तुम्हें देखकर हम धन्य हो गए। जब पुरोहित जी ने इस प्रकार कहा तब हमें भी इस बात की जागृति हुई कि हकीकत में हमारे बच्चे को बचाने वाला अन्य कोई नहीं, स्वयं परमात्मा महाकाल थे। जब मैंने कहा हे भोलेनाथ रक्षा करो, उसी समय परमात्मा ने इस नौजवान युवक के रूप में आकर हमारे इस बालक की रक्षा की थी। यह हमारे जीवन की आंखों देखी सत्य घटना थी। उस तीव्र प्रवाह में बचना बहुत कठिन था, लेकिन स्वयं भगवान शंकर ने वहां प्रकट होकर हमारे बालक की रक्षा की थी। तो यह घटना हम चाहते थे आप तक पहुंच सके कि आपके जीवन का भी परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ सके, कि जब मन की आस्था सच्ची होती है, परमात्मा के प्रति
भाव से उसके नाम का सुमरण किया जाता है, तब परमात्मा द्वापर क्या कलयुग में भी प्रकट होकर अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करते हैं। ऐसे महाकालेश्वर भगवान श्री शिव जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।